सो गाइस फाइनली भाई वही गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कर रहा है जो 2 महीने से बुक कर रखी है। अब ये देखो जैसे ये आ रहा है, ठीक है, ब्रेकर है तो थार में तो इतनी देर में बंदा हिल जाता है। सारे बंदे देख के जा रहे हैं, नई चीज है ना और बहुत अट्रैक्टिव चीज है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पुलकित मल्होत्रा व्लॉग्स। तो भाई कहाँ जा रहा हूँ, सेट वेट करके बीएड फिर जा रहे हैं आज गाड़ी देखने के लिए। बट भाई फर्क है कि आज मैं जा रहा हूँ अकेले और पीछे भाई माधव बैठा हुआ, देखते हैं उसके क्या रिएक्शन रहते हैं। ये देख लो, हमेशा काम है फोन चलाना। तो मैं जा रहा हूँ आज एक गाड़ी और देखने। अच्छा है, तो चलेगा तू फिर? मैं तो रेडी रहता हूँ, पढ़ाई कर ले, आज नहीं चलेगा। अरे ये तो वाली टी शर्ट ना जो तूने इंद्र भाई के साथ पहनी थी, जिसमें गाना तूने गया था, है ना, ये नाइट सूट बन गया अब। अरे वाह, 6 महीने में पैसा हो तो इसके जितना, वरना ना हो। और गाइस इधर हो रही है भाई नींद पूरी, कुछ काम वाम कर लिया करो, पूरा दिन सोते रहते हो। क्यों, सही बात नहीं है? मैं जब उठता हूँ तब देख तो सो रही है, और जब मैं सोने लगता हूँ तब भी सो रही होती है। बता भाई अब देख लो, ऐसी अलग ही टाइम है, तेरे तो घड़ी अलग चलती है। मेरी घड़ी ना बिल्कुल टाइम पे चलती है। और क्या, देखो काम कोई नहीं रहना चाहिए। सो गाइस क्या होना चाहिए भाई, देखो उठो जब मर्जी, सो जब मर्जी, जो काम सोच रखे हो ना दिन में वो सारे कर लेने चाहिए। तो भाई मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, आप आप जो सोच तो करते हो बिल्कुल बिल्कुल जो नहीं सोचती वो भी कर देती हूँ। अरे अच्छा, है आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो कह रहा हूँ भाई रोस्ट हो गया। देखो डैडी पीछे उठ के बैठ गए हैं कि मेरे को ना कोई रोस्ट कर दे, है आंखें देखो डैडी की फुल, आप भी सो रहे। तो भाई इधर देखो जाई भी अभी भी सो के उठी है, आँख चढ़ी है, उठ गई, ठीक है, खाना खादा है, एक ही लगे हुआ टिक्का माधोते काम ने। सो गाइस अभी फाइनली चलते हैं भाई, आ गया हूँ शोरूम, चलते हैं भाई अंदर। और ये देख लो भाई दूर से सीधा जिंदगी स्पॉटेड दोनों कलर। सो गाइस फाइनली भाई सेम जगह पे बैठ गया हूँ, 2.5 महीने बाद, 2.5 महीने पहले यहाँ से जिम ने बुक करी थी। तो अब देखते हैं, अपडेट भी लेते हैं, टेस्ट ड्राइव भी लेंगे। घर वाले नहीं आए, सिर्फ अकेला आया हूँ। और ये देखो भाई जो गाड़ियाँ देख रहे हो सारी पसंद आ रही है। ये देखो ये है भाई ग्रैंड विटारा, ये भी भाई पसंद आ रही है। ये थोड़ी रेंज ऊपर हो जाएगी, मतलब बेस रेंज है इसकी 13-14 लाख की। बाकी वो पीछे घड़ी है फ्रॉन्ग्स भाई, वो बढ़िया प्यारी गाड़ी लगी। ये तो शायद बेस वेरियंट है, इसका जो टॉप वेरियंट है ऑटोमेटिक वो बहुत ओके लगा। हमें देखते हैं वो इससे सस्ती है थोड़ी सी, ठीक है। बाकी ये XL6 और भाई वो देखो यार वो घड़ी अपनी जिमनी। और गाइस ये दोनों ही गाड़ियाँ भाई आगे से बिल्कुल सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है। और इसका भी भाई कूपे डिज़ाइन है, बहुत बढ़िया लग रही है। बाकी भाई ये तो एवर ग्रीन, ये तो शायद आई गेस टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, जिसके अंदर सारी चीज़ें। हाँ भाई टॉप ऑफ द लाइन ऑटोमेटिक 18 लाख रुपये, पता नहीं यार मेरे को क्यों लग रहा है गाड़ी वर्थ नहीं करती यार 18-18.5 लाख रुपये में। सो गाइस अभी चलते हैं भाई फिलहाल जिमनी की टेस्ट ड्राइव करने, और ग्रैंड विटारा की भी और फ्रॉन्ग्स की भी, फिर फाइनल करते हैं कौन सी क्या रहती है, क्या मतलब सब में अलग है क्या, क्योंकि आज ही राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। उस दिन फैमिली के साथ भी करते हैं, बट आज भी अकेले में करते हैं, तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या सस्पेंशन, मतलब सारी चीज़ें आज देखते हैं, अच्छे तसल्ली करके चलेंगे यहाँ से। सो गाइस फाइनली भाई वही वाली गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं जो फिलहाल जिस पर मन आ रखा है, कि ये वाला जो ऑटोमेटिक वेरियंट है ये इस रेंज में काफ़ी बेस्ट है। तो देखते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस क्या रहता है। बाकी अंदर इस गाड़ी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारी चीज़ें प्री लोडेड ही दे रखी हैं, क्योंकि ये इस इंजन में टॉप एंड वेरिएंट है ऑटोमेटिक। तो एक बार देखते हैं इसका क्या रिव्यू रहता है। बाकी मैंने ऑफ रोड सब कर लिया इसमें अभी तक में टेस्ट ड्राइव में। बाकी मेरे को तो भाई पर्सनली ये बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल लग रही है। बाकी इसके बाद जिमनी भी ट्राई करेंगे, क्योंकि जिमनी बुक कर रखी है ना भैया। सो गाइज ये चेक कर लो यार, मतलब ये फिलहाल इंटीरियर है इसका, लास्ट वीडियो में भी चेक करा होगा। तो भाई दिल इसी पे आ रहा है, सेम इसका और ग्रैंड विटारा का सेम वो है, ये कट जो भी बोलते हैं सर, बस हाँ ये मैनुअल है, ऑटो डिमिंग वाला नहीं है। बाकी तो भाई फुल मेरे को तो ओके लग रही है। बाकी देखते हैं एक बार जिमनी टेस्ट ड्राइव करते हैं इसके बाद। सो गाइस ये रही भाई जिमनी की जो हमने बुक कर रखी है, वो ये चेक करो फुल। बाकी इसकी टेस्ट राइड करते हैं अभी कैसे रहते हैं। सो गाइस एडवांटेज यही है कि भाई अंदर 2 वो हैं, बाकी भाई AC फुल काम कर रहा है, 2 पीछे AC नहीं है भाई, बुक तो यही करा रखे, मन तो इसी पे ही है अभी, बट देखते हैं आप टेस्ट राइड करते हैं, देखते हैं। सो गाइस फाइनली भाई वही गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कर रहा है जो 2 महीने से बुक कर रखी है। बाकी चलाने के बाद अभी ऑफ रोड बाइक पे भैया ने चलवा दी, उसके बाद तो मेरा दिल ऐसे होगा कि भाई यही करनी है फाइनल, करनी नहीं और कोई, मैं सीरियसली थार के कंपेयर, क्योंकि थार पारस भाई की बहुत बार चला ली, ठीक है, थार के कंपेरेटिव भाई जो इसमें कम्फर्ट है ना नेक्स्ट लेवल, मतलब मेरे को तो डर लग रहा है कि मैं पहली बार चला रहा हूँ ये वाली गाड़ी, बट स्टिल भाई थार के कंपेरेटिव नेक्स्ट लेवल कंफर्ट, ये बात तो है भैया। और गाइस जो यहाँ से भाई व्यू है ना वो पूरा SUV वाला ही है, कि मतलब एलिवेटेड चीज़ पे बैठे हो तुम, मतलब नेक्स्ट लेवल। जैसे फ्रॉन्ग्स अभी चलाई इससे पहले तो वो इतना मतलब थोड़ी सीट जो है नीचे उस पर है, क्यों भाजी क्या है इसका रिस्पांस गाड़ी, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे माउंट पे आई है उस साउंड पे तो कैंसिल होनी स्टार्ट हो जाएगी, मैं कैंसिल की ही सोच रहा था इसको। सर कैंसिल करोगे नहीं, जब आप गाड़ी की चला के फील नहीं लोगे आपको फिर पता लगेगा।
भाई गाड़ी तो फील क्या मजा आ रहा है। मैं बाहर से देखने में छोटी है बट वैसे जो है गाड़ी बहुत सर बहुत बढ़िया कार है। इसको अगर आप ऑफ रोडिंग पे ले जाओ ना तो अब ये देखो जैसे ये आ रहा है ठीक है ब्रेकर है तो थार में तो इतनी देर में बंदा हिल जाता है। इसमें कुछ फील ही नहीं हुआ, सस्पेंशन वगैरह सब बहुत ओके। और गाइस इधर चेक करो भाई रोड प्रेजेंट देखो, ये देखो अंकल रोले में देखते पीते पीते यही देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ यही, सारे बंदे यही चेक कर रहे हैं। सो गाइस अभी फिलहाल चेक कर रहे हैं कि क्या रोड प्रेजेंस रहती है इसकी। बाकी अभी तक तो नेक्स्ट लेवल गई है। ये देखो सामने गर्ल्स खड़ी हैं, गर्ल्स भी फुल लुक दे रही हैं। और गर्ल्स क्या सारे बंदे देख के जा रहे हैं, नई चीज़ है ना और बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, खिलौना सा लग रहा है ऐसे बाहर से तो, और अंदर बैठ के तो भाई पता ही नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ लग रही है। बाकी पाजी की बात में दम है कि कैंसिल मत कराओ बुकिंग, क्योंकि पाजी कह रहे हैं मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 50% का। पूरा डिस्काउंट है, फ्री में ले जाओ यार। लो भाई लो रिकॉर्ड भी होगी भैया, ऑन है पीछे कोई बात नहीं, ऑन रहे यार। नहीं नहीं यार गाड़ी लेकिन एक नंबर है। बाकी बाजी ने एक ऑप्शन और दिया, कहते कोई दिक्कत नहीं मैंने तो लेनी है, तू ले ना ले, जब मैं लूंगा तो मेरे घर आ जाइयो। भाई टेस्ट ड्राइव में ऐसे मन कर रहा है कि मैं घर ही ले जाऊँ, वो सीधा पाजी उड़ो चलो आओ तो ले लो। आधी आधी हो गई, 6 महीने बैच रहा हूँ, 6 महीने आप 6 महीने कॉन्टेंट निकालने के बाद पाजी की हो गई है। मैं और भाई जी दुबई निकल जाएंगे इसी में। सो गाइस चलाने के बाद तो भाई कैंसिलेशन का तो मन ही हट गया। सो गाइस ये देख लो भाई दोनों गाड़ियां जा रही हैं, आप ही बता दो फिर नेक्स्ट व्लॉग में देख लेते हैं, क्योंकि जिमनी तो बुक कर रखी है, अगर ओके होता है तो फिर ये भी बुक कर देंगे, वरना जिमनी कैंसिल कर देंगे। और अगर कहते हो कि वहीं रखनी है तो भाई वहीं रख लेते, कमेंट करके जरूर बता देना यार। सो गाइस भाई फाइनली इसी पे ही मन है अभी तक, अभी कुछ स्विच नहीं करा तो देखते हैं कैसे रहता है, एक दो जगह और ट्राई करेंगे फिर करते हैं फाइनल। गाइस एक बार दोबारा से टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि आज भाई फाइनल बुकिंग करनी है और भैया को फिर से परेशान करने आ गए, ये चेहरा दिखा होगा 2.5 महीने पहले, आज फिर। सो गाइस फाइनली भाई बैक टू होम और देखा है गाड़ी मैडी ब्रो तैयार हो रहा है ब्लॉग का देखते हैं। डैडी फिर आपके क्या कहने हैं? बढ़िया नहीं बढ़िया कहने तो है, गाड़ी के बारे में बताओ फिर। गाड़ी भाई जो तेरे को पसंद है। एक दिन गाड़ी को ले चलता हूँ, दोनों में टेस्ट ड्राइव कराया हूँ। जिमनी तो चढ़ी नहीं पाड़ नहीं नहीं चढ़ जाएंगे, ये लाइट भी कम आ रही है ना, ऑपोजिट लाइट बैठा हूँ, माधव इतना काला लग रहा है भाई, है नहीं गोरा। बाकी ये पीछे भी काम कराना पड़ेगा सारा, कराएंगे पीवीसी करवाएंगे ठीक है। शरानी आइसक्रीम है फिर क्या कह रही, इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी वीडियो देख के, वो बोली प्रियंका मैम कौन है बता। प्रियंका मैम गाइस मेरी टीचर हैं, जिन्होंने मेरे को नर्सरी और प्रेप में पढ़ाया था। हाँ LKG UKG तब बोलते थे। अच्छा फिर क्या कह रही थी? बहुत खुश हो रही थी, इतनी ब्लेसिंग दिया उन्होंने इतनी कि बस, कमेंट्स तो सबने किए बहुत अच्छा लगा लेकिन उनका कमेंट तो दिल को छू गया। तो गाइस अभी है फिलहाल नेक्स्ट डे और भाई चलते हैं सीधा जस्सी बाजी के, वहाँ कुछ शूट वगैरह उनका प्लान कर रखा था कल, भाई गाड़ी वगैरह सब देखाए थे तो भाई अब देखते हैं कैसे सारी चीज़ें बुक करा दी हैं। और भाई इतना कंफ्यूज हो चुका हूँ ना, कोई लिमिट नहीं है। और भाई अब चलते हैं सीधा जस्सी बाजी के वहाँ पर और भाई देखते हैं शायद एक ट्रिप भी प्लान हो रही है। गाइस फाइनली आ गए जस्सी बाजी के पास बट आज अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं हो पा रहा, बाजी ये रहे। बाकी अब सीधा घर ही निकलते हैं, एक शूट और प्लान था, मैंने पाजी के पास आना था तो थोड़ा कैंसिल कर दिया था।